नमस्कार दोस्तों, ये एक 16 साल की बच्ची का एक केस है जिनको पिछले 3 साल से ब्रोंकाइल अस्थमा है, जिसके लिए 3 साल से इनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इनका जो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स ये सोच के इलाज करा रहे थे एलोपैथी में कि मेरा बच्ची जो है आज नहीं तो कल पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, उसको कोई और मेडिसिन खाने की दरकार नहीं पड़ेगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि एलोपैथी में इस तरह का प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, जिंदगी भर के लिए मेडिसिन खाना पड़ता है। अब जब इस बच्ची का ट्रीटमेंट चलते हुए 3 साल हो चुका है एलोपैथी में, लेकिन बच्ची पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो रहा था, उसको एलोपैथिक मेडिसिन खाना पड़ रहा था, साथ ही साथ उसको इनहेलर भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था। और तो और ट्रीटमेंट चलने के बावजूद भी कई बार बच्ची का कंडीशन विंटर में डिटोरिएट कर जाता था। तब फिर इनका पेरेंट्स को ये सवाल दिमाग में आया कि मुझे डॉक्टर से जाकर पूछना चाहिए कि इसका इलाज और कब तक चलने वाला है। तो फिर डॉक्टर ने इनको साफ साफ बता दिया कि इसका जो प्रॉब्लम है, इसके लिए इनको लाइफ टाइम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लाइफ टाइम मेडिसिन खाना पड़ेगा। और ये बात सुनकर इनका पेरेंट्स पूरी तरह हताश हो गए, निराश हो गए, जो कि बिल्कुल लाजमी है होना, सभी पेरेंट्स हो जाएंगे। ये लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसलिए करा रहे थे, ये सोच के करा रहे थे कि आज नहीं तो कल मेरे बच्ची का प्रॉब्लम पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा और उसको हर तरह का हर मेडिसिन बंद हो जाएगा। बट इन लोग को ये पता नहीं था कि एलोपैथी में इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें इन लोगों का कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में एक प्रोस्पेक्टिव भी चला हुआ आ रहा है कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, हमें तो जाना है एलोपैथिक डॉक्टर के पास पहले। एलोपैथी जब नहीं सकते हैं, फिर आते हैं होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक के पास। मैं देख चुका हूँ बहुत डिग्निफाइड पढ़े लिखे लोग भी ऐसे होते हैं जो एलोपैथी के पास लाइन लगा कर बैठे हुए रहते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट कराते हैं, जब वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है फिर एट लास्ट होम्योपैथी के पास आता है। और इसका पीछे और एक कारण ये भी हो सकता है कि लोगों के अंदर होम्योपैथी को लेकर ट्रस्ट, भरोसा दिन पर दिन कम हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में झोला छाप होम्योपैथ की कोई कमी नहीं है। एक एक साथ एक एक दिन में एक पेशेंट को 8-8, 10-10 मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, 8-8, 10-10 मेडिसिन खिलाता है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी है जो डाइल्यूशन की मेडिसिन, 5-6 डाइल्यूशन मेडिसिन एक जगह मिला के, एक मेडिसिन मिश्रण करके, एक मिक्सर बना के, कॉम्बिनेशन बना के दे दिया। इससे क्या होगा, इससे रोग थोड़ी सही होगा, जिंदगी में रोग सही नहीं होगा। तो इसी कारण से लोगों के अंदर होम्योपैथी को लेकर भरोसा, ट्रस्ट दिन पर दिन कम हो रहा है। तो दोस्तों, अब अगर इस केस की बात करें तो इस केस में मैंने इस बच्ची को पल्सेटिला प्रेस्क्राइब किया था आज से 4 महीना पहले। अब इस बच्ची का एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम पूरी तरह बंद करा दिए, इनको कोई एक पैसे का एलोपैथिक मेडिसिन खाने की दरकार नहीं पड़ता है, इसको इनहेलर के भी इस्तेमाल करने का दरकार नहीं पड़ता है। अब मैंने पल्सेटिला 0x1, 0x2, 0x3, 0x4 पहले 2 महीने के लिए दिए थे, उसके बाद मैंने प्रिस्क्राइब किया पल्सेटिला 0x6, 0x7, 0x8, 0x9। अब 4 महीना कंप्लीट होने के बाद फिर से अब ये पेशेंट मेरे पास आए हैं काउंसलिंग कराने के लिए। अब इस बच्ची का प्रॉब्लम बिल्कुल 100% सॉल्व हो चुका है, नॉट 99.9, 100% मतलब 100% सॉल्व हो चुका है। जब से हमारा मेडिसिन खाए है, पहले 2 महीने में इनका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन आफ्टर 2 मंथ के बाद जो मेडिसिन गया है उसके बाद से ये बच्ची को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको इनहेलर इस्तेमाल करने का कोई दरकार नहीं पड़ता है। अब इस बच्ची को मैंने पल्सेटिला ही क्यों प्रेस्क्राइब किया, ये अब आप लोग सुन लीजिए। तो ये जो बच्ची है, इनको कोल्ड यानी ठंड से इनका प्रॉब्लम बढ़ता है, ठंड के महीनों में एस्थमेटिक अटैक जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो हम सब जानते हैं कि पल्सेटिला जो रेमेडी है ये एक चिली रेमेडी है। इस बच्ची का सेकेंड सिम्टम जो मैंने देखा वो ये था कि इस बच्ची को प्यास बिल्कुल नहीं लगता है, प्यास बहुत कम लगता है। इसका जो पेरेंट्स है वो भी इस बात को कन्फर्म किए कि बच्ची का प्यास बिल्कुल कम है। प्लस मैंने जीभ देखा, जीभ का फोटो मैंने मंगाया था, टंग का फोटो मैंने मंगाया था, वहाँ भी मैंने देखा कि जो जीभ है, जो टंग है, बिल्कुल ड्राई है। सो पल्सेटिला इज अ थर्स्टलेस रेमेडी, इसको प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, इसका जीभ सूखा हुआ रहता है, ड्राई रहता है, ड्राई टंग रहता है। अब इनका थर्ड सिम्टम जो हम देखे वो ये थे कि इस बच्ची का प्रॉब्लम प्यूबर्टी के बाद से शुरू हुआ, यानी फर्स्ट पीरियड जो उस बच्ची को आया था उसके बाद से ही ये अस्थमा का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। किताब में दिया हुआ है कि प्यूबर्टी के बाद यानी फर्स्ट पीरियड होने के बाद अगर बच्ची के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग पल्सेटिला के बारे में सोच सकते हैं, पल्सेटिला देना ही है ऐसा नहीं कहा गया है, पल्सेटिला के बारे में हम लोग सोच सकते हैं अगर बाकी के सिम्टम्स अगर मैच करता है तो। और यदि मेनोपॉज यानी जब पीरियड जब खत्म हो जाता है एक महिला के अंदर, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम शुरू होता है तब हम लोग ग्राफाइटिस और लैकासिस के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। और इस बच्ची का फोर्थ सिम्टम जो मैंने लिया वो ये था कि इस बच्ची का जो टेम्परामेंट है वो माइल्ड है, यानी माइल्ड टेम्परामेंट है, यानी गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं आता है, गुस्सा आता है लेकिन ऐसा नहीं कि नटमूर की तरह कंसोलेशन एग्रेवेट्स, कोई समझाता है तो भी गुस्सा और ज़्यादा आ जाता है, ऐसा नहीं होता है, कोई समझाता है तो आराम से समझ भी जाता है। और पांचवा सिम्टम के अंदर मैंने ये देखा कि बच्ची को मीट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है, और आइसक्रीम खाना पसंद है, लाइक फॉस्फोरस, लाइक मेडोराइनम, सिकिल कोर और वेराट्रेमल, और गर्म खाना
गर्म चीज पसंद होता है लाइकोपोडियम चेलेडोनियम और आर्सेनिक एल्बम को। और भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन ये तीन प्रमुख मेडिसिन है, लाइकोपोडियम चेलेडोनियम और आर्सेनिक एल्बम, इनको गर्म खाना पसंद है। तो हमें पल्सेटिला का और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया पल्सेटिला का, तो फिर पल्सेटिला में क्यों ना प्रिस्क्राइब करूँ उस बच्ची को। चिली पेशेंट, माइल्ड टेम्परामेंट, फर्स्टलेस, एवर्जन फॉर मीट, प्रेफर ओपन ईयर, प्रेफर कोल्ड ड्रिंक्स, प्रेफर आइसक्रीम एंड प्रॉब्लम स्टार्ट्स आफ्टर मेनोपॉज। तो पल्सेटिला का हमें और क्या चाहिए प्रेस्क्राइब करने के लिए। और आज 4 महीना हो चुका है इस बच्ची का इलाज चलते हुए, इनका प्रॉब्लम पूरी तरह समाप्त हो चुका है। 100% इनका प्रॉब्लम ब्रोंकाइल अस्थमा पूरी तरह समाप्त हो चुका है। और इस बार इस बच्ची को मैंने थुजा 30 प्रेस्क्राइब किया है, 3 डोज। थुजा 30 का 3 डोज लेने के बाद इस बच्ची का इलाज पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस बच्ची को थुजा मैंने लास्ट टाइम इसलिए प्रेस्क्राइब किया है 3 डोज, क्योंकि ये जो डिजीज है ये एक साइकोटिक डिजीज है, साइकोटिक मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है, और थुजा इट्सेल्फ इज ए ग्रेट एंटी साइकोटिक मेडिसिन। तो हमें लास्ट में हमें ट्रीटमेंट खत्म करने के दौरान एक एंटी साइकोटिक रेमेडी हमको देना पड़ेगा, ताकि जो डिजीज है ये बाद में रिलैप्स ना हो। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के जरिए, क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए इतना गंभीर से गंभीर समस्या को हम लोग ठीक कर सकते हैं। कोई भी 10-12 मेडिसिन हमने एक साथ इनको प्रेस्क्राइब नहीं किए, कोई भी हमने मेडिसिन का मिश्रण बना के इनको हमने नहीं दिए कि ये मिश्रण बना के आप पी लो स्वस्थ हो जाओगे। हमने इनके लिए सिर्फ सिंगल रेमेडी प्रेस्क्राइब किए, पल्सेटिला। अगर इनका लक्षण अगर ग्राफाइटिस से मैच होता तो हम इनको ग्राफाइटिस देते, या लेकासिस से अगर मैच होता तो हम लेकासिस देते। तो जिसका लक्षण जिससे मैच होगा वही मेडिसिन हमको देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। हम लोग रोगी के रोग के पीछे भागते नहीं है, जैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स क्या करते हैं, रोगी का रोग के पीछे भागते हैं, ब्रोंकल अस्थमा के पीछे भागते हैं। हम लोग ब्रोंकल अस्थमा के पीछे नहीं भागते हैं। हम लोग ऐसे क्लासिकल होम्योपैथ एक पेशेंट को हम लोग ऐसे होल देखते हैं। अगर मिस्टर राम हमारे पास आए हुए हैं तो मिस्टर राम को हम लोग सही करेंगे। मिस्टर राम को हो सकता है एक समय में 10 प्रॉब्लम है, 10 मेडिसिन उसको हम लोग प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, ये एलोपैथी का फंडा है। हम लोग मिस्टर राम का पूरा सिम्टम्स लेने के बाद, उनका भूख कैसा है, प्यास कैसा है, सेक्स कैसा है, स्टूल कैसा है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके अंदर कोई पिक्यूरस है कि नहीं, कोई पिकुलर सिम्टम है कि नहीं, कोई कॉन्कमिडेंट्स है कि नहीं, फैमिली हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, सब कुछ जानने के बाद हम उनको एक ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, और उस एक ही मेडिसिन से 10 रोग जो मिस्टर राम को है वो सभी सही हो जाएगा। ये है होम्योपैथी बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन बाय द होलिस्टिक अप्रोच। सो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ